हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार गुप्ता, आपका दोस्त, आपका मित्र, जेस्टी प्रैक्टिशनर, एसपीजी कंसल्टेंसी सर्विस के थ्रू ये सारी चीज़ें आपको दी जा रही है। मैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो लाया हूँ जो जीएसटी पेनाल्टी से संबंधित है, ताकि हमारे जितने भी रजिस्टर्ड जीएसटी में टैक्स पेयर हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि बहुत से टैक्स पेयर को जानकारी के अभाव में बहुत भारी से भारी आपको पेनाल्टी पे करनी पड़ती है। इस सारी चीज़ों से बचने के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। मेरी सारी डिटेल इस पर है। मैं आज सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कि बहुत लोग अपने दुकान के सामने जब नेम बोर्ड बनाते हैं, और आपने अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लिया गया है और उस नेम बोर्ड पे कहीं जीएसटी का मेंशन आपने नहीं कराया है, तो उस केस में आपको क्या क्या पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। तो प्लीज़, अगर आपका जीएसटी इशू हो गया है और ऐसा आप नेम बोर्ड पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं करते हैं, तो आपको 25,000 रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है। अब दो सवाल यहाँ पर हैं। अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर हैं तो आप अपने नेम बोर्ड पे जीएसटी नंबर ज़रूर मेंशन करें। अगर आप कंपोजिशन टैक्स पेयर हैं तो कंपोजिशन वालों के लिए जीएसटीएन नंबर नहीं मेंशन करना है, उसके जगह पर आपको कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन अवश्य मेंशन कर दें, ये मैंडेटरी है। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपको 25,000 रुपये तक की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। और जो वर्ड है सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर कंपोजिट स्कीम जो लिए उनके लिए है कि आप हमेशा नेम बोर्ड पर कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन मेंशन जरूर कराएं। आगे बात करते हैं, जो लोग रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं और सर्टिफिकेट भी इशू हो गया है लेकिन उसका डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं। अगर जिनका सर्टिफिकेट इशू हो गया है और अभी तक वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद कहीं भी डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको 25,000 रुपये तक की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। तो प्लीज़, पेनल्टी से बचने के लिए आप जितने भी विद इन स्टेट में आपके जितने भी बिजनेस हैं, तो प्लीज़ आप सारे प्लेस पर डिस्प्ले करा दें, मेन जहाँ से सारे कोसी को भी दिख जाए। अगर आपका दुकान है तो आप बहुत लोग आप लेमिनेशन करा दें या फिर फ्रेम में भरवा कर अपने सर्टिफिकेट को शो करें, डिस्प्ले करें। अगर आपका बिजनेस एक से कई जगहों पे है तो वहाँ भी आप मेंशन करें, वरना आपको 25,000 रुपये तक की पेनल्टी दे सकती है। ये सारे लोगों के लिए, एनी रजिस्टर्ड पर्सन के लिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि अगर मेरा जो है एडिशनल प्लेस है तो मैं वहाँ भी इशू करूँगा? हाँ, बिल्कुल करेंगे। यहाँ पर इसीलिए तो बताया है कि ऑल मतलब ऑल एडिशनल प्लेस पर, आप सारे जगहों पर आप प्लीज़ सर्टिफिकेट को डिस्प्ले करें, वरना आपको 25,000 रुपये तक की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। अब हम बात करेंगे आगे कि आपने प्रॉपर जो इनवाइस इशू करते हैं वो प्रॉपर नहीं करते हैं। अगर आप प्रॉपर इनवाइस इशू नहीं कर रहे हैं, उस केस में भी आपको 25,000 रुपये तक की पेनल्टी दे सकते हैं। मतलब आप जब भी इनवाइस करें, ऑल डिटेल आप सप्लाई जरूर लिखें। जैसे मान लीजिए आपने क्या गलतियां कर दी है कि आपने इनवाइस इशू किया, उसमें CGST लिखे, SGST नहीं लिखे, डायरेक्ट 5%, 2.5% के जगह 5% लिख दी, डिस्काउंट दे रहे हैं लेकिन आप उसमें मेंशन नहीं कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों में अगर आपको गलती पकड़ी जाती है तो आपको 25,000 रुपये तक की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे नॉट मेंटेन प्रॉपर स्टॉक रिकॉर्ड। तो क्या आप सोच रहे होंगे कि स्टॉक रिकॉर्ड हमारे लिए ज़रूरी है? हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आपका स्टॉक है तो ये CGST एक्ट में बताया गया है, रूल नंबर 56(2) में, कि आपको मैंडेटरी है स्टॉक का रिकॉर्ड मेंटेन करना। तो अगर आप स्टॉक प्रॉपर मेंटेन नहीं कर रहे हैं और ये गलती पकड़ी जाएगी तो आपको 25,000 रुपये तक की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। ठीक है, आगे बात करते हैं दूसरी चीज़ की कि अगर आपने रॉन्ग इनवाइस पर ITC क्लेम कर दिया, मतलब इनवाइस सही नहीं है और आप उस पर इनपुट क्या बोलते हैं इनपुट आपने गलत चार्ज कर दिया है, तो उस केस में आपको, अगर आपने रॉन्ग इनवाइस पर ITC जो है गलत चार्ज कर दिया है, तो उस केस में आपको 10,000 रुपये तक की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। प्लस और क्या होगा, या आप 10,000 रुपये तक की पेनल्टी और या 100% ऑफ ITC, अभी जितने रुपये की आपने ITC गलत चार्ज किया, यानी आप 10,000 रुपये तक तो है ही है, अगर आपने 12,000 रुपये गलत ITC चार्ज कर दिए तो दोनों में जो हायर होगा, अगर मिस्टेक पकड़ी जाएगी तो दोनों में जो हायर होगा वो आपको पेनल्टी लगेगी। प्लस और क्या लगेगा, आपको 24% इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा जितने दिन तक आप रिवर्सल नहीं करते हैं। तो प्लीज़, आप कभी भी इनवाइस पर ITC जब भी क्लेम करना चाहें तो प्रॉपर आप उसे चेक कर लें, फिर तभी आप उसका वो करें। एक जनरल क्वेश्चन हमेशा लोगों का मेरे मोबाइल नंबर या मुझ पर जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी आता है कि
जो है सर, मेरा क्लेम जो हम टैक्स पे कर रहे थे वो बहुत ही गलत चार्ज हो गया। मुझे सी जी एस टी करना था या जी एस टी, मैंने आई जी एस टी कर दिया, या मैंने आई जी एस टी करना था मैंने सी जी एस टी कर दिया या सी एस जी एस टी कर दिया, या मैंने सी जी एस टी करना था सी जी एस टी और आई जी एस टी कर दिया, तो तीनों क्लेम्स के लिए बात कहा है। यहाँ पर थोड़ी सी रिमेडीज भी हमको लग रही है गवर्नमेंट की तरफ से। उसने सीधा बोला है कि आप अगर ऐसा कर दिए हैं तो आप करेक्ट हेड में टैक्स को पे कर दें बिना किसी इंटरेस्ट के, और रॉन्ग हेड में जो आपने टैक्स पे किया है उसका रिफंड कर दें। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपने टैक्स आपने सी जी एस टी और एस जी एस टी को जो आई जी एस टी में कर दिया, तो आई जी एस टी वाले का जो किए थे गलत आपने जो किया था उसका आप रिफंड कर दें, क्लेम कर दें, और आपने सी जी एस जी एस टी जो कम किए थे उसमें आप फिर से आप जब एडजस्टमेंट करके उसको पे कर दें। तो प्लीज़ यहाँ पर एक थोड़ी सी रिमिडीज हमको लग रही है कहीं ना कहीं, बाकी आपके लिए। अब बात करते हैं कि जो लोग अपना जी एस टी आर थ्री बी या जी एस टी आर वन टाइमली फाइल नहीं करते हैं उनके लिए क्या है, कि जो लोग जी एस टी आर थ्री बी जो इसे नेक्स्ट मंथ की जब होता है तो 20 तारीख तक आपको फाइल करना होता है, और जी एस टी आर वन जो 1.5 करोड़ से अधिक या कम वाले हैं उनके लिए भी ड्यू डेट है। तो दोनों लोग अगर टाइमली फाइल नहीं कर रहे हैं तो उनके केस में क्या है, दो केस है। अगर नील रिटर्न है तो आपको 20 रुपये तक की पेनल्टी भरनी पड़ेगी, कब पर डे, अगर नील रिटर्न है तो आप 20 रुपये पर डे आपको भरनी पड़ेगी। अगर आप नील रिटर्न वाले नहीं हैं, अगर आपका ट्रांजेक्शन वाला है, कोई सप्लाई वाला है, तो आपको 50 रुपये पर डे आपको पेनल्टी भरने वाली। तो प्लीज़ आप इन सारी पेनल्टी से बचने के लिए आपसे मेरा ये एडवाइज है, तो प्लीज़ आप जो है टाइमली अपने रिटर्न को फाइल कराया करें। मैं संदीप कुमार गुप्ता, जी एस टी प्रैक्टिशनर, कोई भी हेल्प चाहिए तो मेरा नंबर इस पर वीडियो के शुरू में ही था, आप प्लीज़ आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कि अभी तक बात कर रहे थे कि जी एस टी रजिस्ट्रेशन करा लिया, सर्टिफिकेट मिल गई, इनवाइस की बात कर रहे थे, गलत आई टी सी चार्ज हो गई, सी जी एस टी एस टी में मिस्टेक हो गया। अब बात हम करेंगे कि जो लोग अभी, बहुत लोग का क्वेश्चन चलता है कि मेरा तो अभी 18 लाख टर्नओवर है, मेरा 20 लाख है, क्या ज़रूरी है कि नहीं है, तो उन सारे लोगों के लिए क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो रहा है कि जो लोग, तो उनको उनके दिमाग में होगा कि मेरा 20 लाख से अधिक टर्नओवर होगा तो क्यों मेरा ज़रूरी है। तो हाँ, सी जी एस टी एक्ट में सेक्शन 22 में बोला है कि मैंडेटरी है एवरी पर्सन के लिए कि जिसका टर्नओवर 20 लाख से अगर अधिक हो गया, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जिनका टर्नओवर 20 लाख से अधिक हो गया है, और वो जिस दिन उनको उनका टर्नओवर अगर 20 लाख ऊपर क्रॉस कर जाता है, उनको विदिन 30 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपको 10,000 रुपये तक की पेनल्टी लगेगी, प्लस जितनी आई टी सी लॉस हो रही है वो आई टी सी आपको पे करना पड़ेगा। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप टाइमली रजिस्ट्रेशन करा लें। अगर आपका रजिस्ट्रेशन, आपका मान लीजिए टर्नओवर फरवरी में आपका क्रॉस कर जाता है 1 फरवरी को, तो आप सोच रहे हैं कि मैं अप्रैल में करूं, तो नहीं है, गलत है ये, क्योंकि ये 30 दिन से अधिक हो जाएगा नेक्स्ट फाइनेंशियल तक। तो आपकी गलती अगर पकड़ ली जाती है, अगर ऐसा आप किए हैं, तो आपको इतनी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। अब वो बात करते हैं कि बहुत लोग अपनी जो है आई टी सी, रॉन्ग आई टी सी क्लेम करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का अपनाते हैं, जैसे आपने सप्लाई हुआ नहीं बट इनवाइस हो गया, मतलब एक्चुअल में सप्लाई नहीं हो रही है बट इनवाइस आप इशू कर दे रहे हैं, तो उस केस में आपका है कि अगर आपने सप्लाई नहीं किया है, इनवाइस इशू कर दिया है, तो उस केस में आपको 10,000 रुपये तक की पेनल्टी देनी पड़ सकती है, या फिर 100% आप जो इतना आप टैक्स का चोरी कर रहे हैं अगर आप पकड़े गए हैं, तो दोनों में जो हायर होगा, अगर 10,000 तो वही है, अगर आपने 1 लाख रुपये की इनवाइस फर्जी काट दिया है और पकड़ में आ गई, तो आपको 1 लाख रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है। तो ये सिचुएशन तब एराइज होता है जब रॉन्ग आईटीसी को क्लेम करने के बिना किसी सेलिंग के आईटीसी क्लेम करने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं होती है। वहाँ पर इन सारी चीज़ों से बचने के लिए है कि जो लोग ऐसा करते हैं वो प्लीज़ ऐसा ना करें, वरना उनको इतनी पेनल्टी देनी पड़ेगी, सप्लाई हो रहा है तभी इनवाइस इशू करें। अब बात करते हैं कि वहाँ बात कर रहे थे कि बिना किसी सप्लाई के आप इनवाइस इशू कर दे रहे थे, अब यहाँ पर एक और बात करेंगे कि एक और केस होगा कि क्या इनवाइस बिना इनवाइस का सप्लाई हो जा रही है, अब तो एक केस हो गया। तो यहाँ पर भी एक केस है कि अगर यहाँ पर भी सेम चीज़ लगेगी कि आपने बिना किसी इनवाइस के सप्लाई कर दिया, इनवाइस सही नहीं है और सप्लाई हो गया, मतलब जो लोग कच्चे में करते हैं, तो उनके लिए है कि वो लोग अगर पकड़े जाएंगे तो 10,000 रुपये तक की पेनल्टी या 100% आप जो टैक्स आप चोरी कर रहे हैं, मतलब 10,000 रुपये तो गई है। अब अगर आपने जो है
आपका माल पकड़ा जाता है, इनवाइस इशू नहीं हुआ और आपका माल कहीं भी सेल टैक्स में पकड़ा जाता है, मान लीजिए कि 2 लाख रुपए तक की, और वहाँ पर आपका टैक्स जो है 40,000 या जो भी 28,000 आ रहा है, तो आपको जो हायर होगा वही लगेगा, यानी कि आपको 28,000 रुपये तक के देनी पड़ सकती है। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों बचने के लिए आप बिना किसी इनवाइस के भी सप्लाई ना करें, ताकि आपको पेनाल्टी ना देना पड़े। अब एक केस और आ गया कि आपने जीएसटी तो कलेक्ट कर लिया मगर आपने उसको पे नहीं किया, तो ये बात है, ये रूल है कि आप जीएसटी जो भी कलेक्ट करें विद इन 3 मंथ के अंदर आप उसे पे कर दिया करें। सॉरी, मैं ये कह रहा था कि आपने जीएसटी कलेक्ट कर दिया बट आपने 3 महीने तक जीएसटी तो कलेक्ट कर लिया मगर आपने 3 महीने तक अब उसे पे नहीं किया, तो उस केस में आपको क्या होगी? बिल्कुल होगी भाई, ये वो पब्लिक की मनी है, किसी थर्ड पार्टी की वो मनी है और आप पे ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसा अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको 10,000 रुपये तक की पेनाल्टी देनी पड़ सकती है, या फिर 100% जो आप चोरी कर रहे हैं वो भी आप पर लग सकता है। तो प्लीज़ आप जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं तो उसे पे क्या करें, वरना आपको पेनाल्टी देनी पड़ सकती है। और आप किसी भी प्रोविजन में अगर डिफ़ॉल्ट पाए जाते हैं जीएसटी के अंतर्गत, तो एक जनरल बात यहाँ पर बता दी गई है कि उसको 25,000 रुपये तक की पेनाल्टी देनी पड़ सकती है, जनरल बात बोल दिया है। तो आप सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर मैं आपसे यही कहूँगा कि प्लीज़ मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ आप उसे बताएं। और ये इन्फॉर्मेशन जिन लोगों को नहीं पता है और जो लोग व्यूअर हैं हमारे, उनसे मुझे रिक्वेस्ट है कि उनको, जो लोग अभी तक अनजान हैं, जो टैक्स पर बहुत भी अभी भी हैं, उनको बताएं, उनको शेयर करें वीडियो, और कोई एडवाइज हो तो प्लीज़ हमें बताएं। आपका दोस्त आपका मित्र संदीप कुमार गुप्ता, जीएसटी प्रैक्टिशनर, थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत ही बहुत जल्द मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आऊँगा और वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच।